निवेदन है इथों देवेंद्र जी को भाषण होना है, बाद में आप पैदल चलाना कार्यालय में बैठे, चाह पानी नाश तो खानो लड्डू सारा है, और पैदल साहब है देवेंद्र जी और राठौड़ साहब चला गए, आप पीछे पीछे चल के पूरे मार्केट में घूम के फिर पहले उधर आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक पूरा देश के अंदर खेल जगत के अंदर दुनिया में नाम कमाने वाला जगह को बचपन एक छोटी सी झोपड़ी में बीते गरीब किसान के परिवार में तल्लुकात रखने वाला और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्मान को पदक या पद्म भूषण अति विशिष्ट लोगों ने वो पदक मिला है। ईशा पद्म भूषण अलंकृत आप होने वाला सांसद भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, अभी अभी जगह को जदवादी भाषण आप सुनो, पिछला 35 सालों हमेशा मेरे सगे राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में छोटा भाई की तरह काम करने वाले हरलाल जी, बहन वंदना जी, आदरणीय सुधार साहब, भाई राकेश जी, भाई महावीर जी, भाई वासुदेव जी, भाई जसवंत जी, प्रोफेसर दिलीप जी, मधुसूदन जी, नौजवानों का किसान नेता नरेश जी, भाई सुरेंद्र स्वामी जी, रतन जी, चंद्रराम जी मंच पर विराजमाना की पार्टी का नेतागण और विशेष तौर पर कि कांग्रेस ने लात मार के आज मोदी जी का सपना को भारत बनाने वास्ते देवेंद्र झाझड़िया के नेतृत्व में मांगो साथ देना के वास्ते जगह फंसा दिया है। वे सभी मेरा भाई बंधु और मेरे सामने विराजित इतारानगर के गांव गांव गली गलियों 36 कोमर बिरादरी का मोदियों महंगा किसान भाइया कार्यकर्ता भाइया और नौजवान, मैं सारों पहले तो आपने धन्यवाद देना चाहूं, मैं महावीर जी ने राकेश जी ने ये बात की चिंता कराओ, होली को त्योहार है, फसल पकेड़ी है, मरना की फुर्सत नहीं, अपना कार्यालय को उद्घाटन त्योहार का दिन रखियो है, आपने दिन आना में दिक्कत होगी परंतु आप लोगों की संख्या देखकर आपको उत्साह और उल्लास देखकर मेरे सब धनी कौन सा शब्द हूं मैं आपने धन्यवाद दूं। भाइयों मैं 97,000 लोगों ने भी धन्यवाद देना चाहूं आपके मार्फत, पिछले विधानसभा का चुनाव में 97,000 लोग मेरा प्रति पार्टी के प्रति विश्वास रखियो, और आज होली के त्योहार पर मैं सह शपथ कह रहा हूं लोक सेवा के त्योहार के दिन व्यक्ति झूठ बोले बिना कुंडी पाक नरक में जाना पड़े, मैं शपथ के सागे कह रहा हूं 97,000 लोगों के सागे मांगे विश्वास में बनाए रखने वास्ते मांगे विकास में बनाए रखने वास्ते वो 6 फुट 2 इंच को इंसान आपको नौकर बनकर लगातार आपको काम करेगा। मेरे पर मेरा स्वयं भतीजा जी मेरे बारे में कई टिप्पणियां कर रहे हैं, मैंने याद आ रहा है आज वो चुनाव की घोषणा के सके
चुरू के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और कह रहा कि मोदी जी जो कोई नेता नहीं, मोदी जी को डंको दुनिया में बाज रहे हैं। मोदी जी 87,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दियो, आपने इलाका के अंदर एक दो नहीं छह सात नहीं रेलवे चालू कर दी। वे पुल का उद्घाटन पर भी मोदी जी का कसीदा पड़ा, पर अचानक मोदी जी की जय जयकार करने वाला भी लोग लगा कह रहा पार्टी मारी मां है। वी पार्टी का सीना में खंजर घोप्यो है, जो 14 बार कमल को फूल बन दियो। भाइयों टिकट कटाना की बात कर रहे हैं, अगर मेरे में क्षमता टिकट कटाना की होती तो आज मैं मेरो नाम भी आप अखबार में पढ़ा राजसमंद राजेंद्र राठौर चुनाव लड़े को मैं मेरी टिकट लेके आता ना। ये बेबुनियाद बात है, सारी चीजा फूल छाप कांग्रेस बना के जगह काम कर रहा, धीरे धीरे पकड़िया। सांसद बनने के बाद 10 चुनाव होया, 8 तो विधानसभा का चुनाव जगह मैं भी लड़ा हो और 2 सुजानगढ़ का सरदार सिंह का चुनाव, और 10 चुनाव में 1 राजगढ़ का चुनाव के अलावा सारा चुनाव में बांधी भूमिका भाई भूमिका रही। क्योंकि डूकिया साहब ने लेकर मेरे को आया, मैंने कहने लग गया कि डूकिया साहब सबसे मजबूत उम्मीदवार है, मैंने चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतार के और फिर बांगे सागे जी हालात की बाकी वो छुपे नहीं बनी। एकालवास का बहादुर सिंह जी जब कभी चुनावी दंगल में उतरिया, अभी चंद्रमल जी वैद का सपुत्र डॉक्टर वैद आज आग वंश का भगत अपनी मुंह की जबानी सुन लिया। बहादुर सिंह जी ने हरियाणा वास्ते फूल चाप कांग्रेस बनाना का काम लगातार करता रहा। जयनारायण जी का पुत्र बैठा है, जयनारायण जी की दिखी हालत में बनाई, और मैं समझू के मेरी जिंदगी आप लोगों के बीच में निकली है। 1987 के अंदर वो चुनाव दी मैं मोहन सिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद में जैसे मेरा राठौर सामने हो 166 वोटों राम सिंह जी के यहां जीत्या, पूरी रात तलवार लेके मेरा परिवार कुड़ कर रहा, क्यों छुपेड़ी बात नहीं। जो आरोप गलत को 100 बात कह इसको, परंतु मैं समझू आज जिला के अंदर राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति आरोप लगा देवे कि राजेंद्र राठौड़ जाति पाति के हिसाब उचाले। अभी पिछले दिन इलेक्शन कमीशन राजस्थान में 242 सभा सरकारी मुलाजिमा का ट्रांसफर कराया, जिका सरकारी पदों पर रहता हुआ सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात लिखा। सरकारी पदों पर कोई सिपाही हो, कोई मास्टर हो, कोई किसी पर्यवेक्षक हो, आपने ठगा बहादुर भी 9-10 सभा का ट्रांसफर हो गया है, चुनाव कमीशन की शिकायत पर हो गया, एक वायरल कर दियो कि राजेंद्र राठौड़ का ट्रांसफर करा दिया। मैं तीन लेकिन स्पष्टीकरण दे दूंगा, मैं समझू भाइयों आपको मेरा एक तो ही निवेदन है कि तारानगर में 2008-2013 के बीच में आप मिलकर रहे हैं, आप कैसा कर, आप मैंने सड़क पर बैठा धरना देता भी देखे हुए, आप हमने कलम चलाता मंत्री के रूप में भी देखे हुए, आपने वो चुनाव भी याद होगा जो पंचायत समिति को चुनाव हो रहे हो, आपने इस चीज को भी याद हो गया तो पंचायत समिति तारानगर में त्रिलोक जी कस्मा जब प्रधान बनिया जगह आज सालों ज्यादा अगुवाई करने लग रहा, पिछली बार मैंने लेकर आया
मैं अच्छी तरह पूछू, मैं त्रिलोक जी पिचक बच जाया, बोले मैं पकड़ दो जानू छोड़ दो कौन जानू, वे प्रधान बनया मेरी कोठियों बनया बड़े कैंप लगाए वापा मां जी मन को साहब राम जी क्षमा मांगूंगा। साहब राम जी दीवा साहब त्रिलोक जी के बीच में समझौतों में कराया, ढाई साल रहा और पद उतरिया को नहीं। आज साहब राम जी भी खिलाफ है, त्रिलोक जी भी के कर आसर के राम कुमार जी आपने बीच में कोनी याद कर लो। कृषि उपज मंडी को चुनाव में मैं चेयरमैन बनया, मेरी भूमिका याद होगी। और आपके सामने हरलाल बैठो है, हरलाल 20 बार मैंने के हो, मेरे बड़ो भाई राजेंद्र विधानसभा में कोनी, मैं विधानसभा हूं मैं छोड़ना चाहूं, मैं कहो नहीं हरलाल ओ कलंक में मेरे पर को नहीं लू, तू दो तो भाई है और आज की मंच में पूछ लो इन्हें। हरलाल साहब प्रमुख बने, प्रधान बने, एमएलए बने, बनकर हो रही थी हरलाल साहब मैदान में उतर क्यों, मेरी कोठियों को चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दियो। मैं एक टाइम हटा एक टाइम बढ़े जाता हूं, चुनाव के अंदर हर चीज की व्यवस्था के मुंह पर कह रहे हो, इन्हें खुद की चिंता को नहीं होती, सिर्फ गांव में भागो फिर तो कुर्सी गाड़ी कठो आओगे कठो के पेमेंट वागो कि वो बड़ो भाई चिंता करो। आज भी आदमी ने कंसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसान का पैटर्नीकरण की बात कर रहे हैं, वहां किसानों ने गुमराह करने की बात कर रहा है। मोदी जी बिना मांगा हर के खाता में 6000 रुपया भेज रहे, वहां किसानों ने गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी गरीब किसानों के सर पर छत्ता प्रधानमंत्री आवास योजना का राजस्थान में 19 लाख मकान बना के दे दिया, वह किसानों ने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिकाने मोदी जी जिकाने घर में गैस का चूल्हा चला दिया, वह किसानों ने गुमराह करना पड़ रहा। जिकाने सबका आगे राम को नाम लिखो जावे, कोई रामलाल है कोई बलराम है, राम जी ने गुण लेकर आयो और क्यों छुपेड़ो है। मैं आपने विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं मेरा भतीजा को भाषण सुन रहे हो, मैंने कह रहा कि नहर को काम बंद कर दो, राजेंद्र राठौड़ करा दियो। आज शपथ लेके कह रहा हूं कि दिल्लू माइनर को काम को इसी सप्ताह के अंदर ही चालू करवा जाऊंगा और आपकी प्यासी धरती में पानी पहुंचे, इस जगह में खून दौड़ा को मैं आपके तक खेत में पानी दौड़ा उस संकल्प राजेंद्र राठौड़। मैं एक बात कहकर आपको निवेदन करना चाहूं, पिछली बार मैं चुनाव मैदान में हूं, विवक्त में राजस्थान की हुकूमत बनाना को चुनाव सरकार कांग्रेस की, अब जब मैं आपके बीच में वोट की भीख मांगने वास्ते आयु देवेंद्र झाकड़िया वास्ते आया हूं, तो कमल इंदन की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार और भजन लाल जी की सरकार आपने इलाका ने तोहफो दिया है, तोहफो भागीरथ बनाया भाई भजन लाल। 30 साल बाद यमुना को पानी को समझौता भजन लाल करना चाहिए, आपने टका नौजवानों का अनुमान टूटता चला गया, पेपर माफिया नौकरी बेचने वाला ने जेल पहुंचाने को काम भजन लाल कर रहे हैं। 450 रुपये में सिलेंडर की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि ने 6000 की जगह 12000 और इस बजट के अंदर 2000 अगला बजट में फिर 6000 को काम करना को भजन लाल जी को काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भाइयों काम तो सरकार के माध्यम वहां पर नहीं करना पड़ेगा, इस बात से मेरा आपको निवेदन है कि आप सब लोग गुमराह मत हो। मुझे याद है बलराम जाखड़ के चुनाव के हारने के बाद में कमला जी बुला के राम सिंह जी का तिलक कर रहा, तो मैंने कहना पहले राजेंद्र जी का तिलक करूंगी, क्योंकि राम है तो लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण है आज कुपुत्र हो गयो, कु बदमाश हो गयो, मेरे समझ की परे की बात है,
कमला जी आपने मेरे बाल पर तिलक लगाया था, आपके परिवार ने कहा था कि आप हमारे इस पूरे चुनाव के अंदर, इस रणनीति के अंदर, और आप जब जिला प्रमुख बनी थी तब भी आपने सब मेरे राखी बांधी थी। ये सारी बातें आज कहां चली गई? आज मेरा ही भतीजा मेरे को ही कहता है कहां छुप गया तू? मैं तो यहां खड़ा हूं, मेरी पूछे में जाऊंगा। तो भतीजे जी, आप तो 20,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 2014 से पहले आपके पिताजी भी एमपी थे, उस समय कितना काम किया आपके सामने है। ये काका जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का काम है भैया। अब आगे पप्पू के साथ आप गए हो, राहुल गांधी जी को राजस्थान ने हिंदुस्तान के लोग पप्पू कहते हैं, अब एक राहुल के साथ एक राहुल और, जब एक राहुल ने ये कहा कि आलू से सोना पैदा करने का काम करेंगे हम, और एक राहुल ने कहा कि राम मंदिर के में हम उसकी पूजा अर्चना में बहिष्कार करेंगे, उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि राम काल्पनिक है, उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि सनातन धर्म, आज डेंगू है, कोरोना है, अब एक राहुल के साथ एक राहुल और भैया, देख लिया आप क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं, भाई चुनाव में वोट देना नहीं देना आपके हाथ की बात है, पर आरोपित करके एक सरपंच भी बनता है तो सब लोगों के साथ मिलकर बनता है। मैं किस घर में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं थी राहुल जी, मेरे देव माता ने पैदा कर दिया, उत्तम सिंह जी के घर में पैदा कर दिया, इस पैरों से पूरे जिले को नाप दिया, और आज मैं सामंत हो गया। मेरे पूरे समाज के प्रति आप गाली की भाषा इस्तेमाल करते हो, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी समाज के प्रति अपशब्द कहे हो तो गुनाहगार हूं, मुझे जरूर दंड देना, पर आप सामाजिक विमर्श फैलाकर वोट की फसल काटने की कोशिश करते हो। किसान भाइयों, और डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, सरकार आपकी सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, सरकार से काम भी अपने को मिलकर करना है, और मोदी जी जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया, आज देश को दुनिया के लोग मानने लग गए, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात G20 में मानने लग गए, योगा की बात दुनिया मानने लग गई, अपने आप बाजरा पैदा करते हैं, बाजरे की रमक आज पूरे विदेश को में हो गई। ऐसे मोदी जी जो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उस मोदी जी का लाडला। और मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा, मैं संसदीय बोर्ड में भी हूं, संसदीय बोर्ड में जब देवेंद्र जी का नाम चल रहा था तो एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि इस व्यक्ति से प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित है, तो मैंने कहा क्यों प्रभावित है? कहने लगे ओलंपिक का पदक जीत कर आए, इनकी बच्ची भी साथ में थी, इनकी पत्नी भी साथ में थी, मोदी जी ने इनसे पूछा कि तुम दूसरी बार ओलंपिक जीत के आए हो, कैसे जीता तुमने, बताओ तुम्हारी कहानी बताओ। इन्होंने कहा, अपने गांव का नाम लेकर कहा, और कहा स्टार्टर से ट्यूबर चला रहा था, बिजली से मेरा बिजली के चिपक गया, बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों ने हटाया, हाथ काटना पड़ा, जब एक हाथ रह गया तो लोगों ने मुझे कई तरह से चिढ़ाना चालू किया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिंदगी में एक हाथ से तेरे को काम करना है, मेरे मन में आया जो बात वहां की देवेंद्र जी बताना मैं सही क्यों कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, मेरे मन में आया कि मेरा एक हाथ को मैं मजबूत करूं। बचपन के अंदर 10 साल 9 साल में पत्थर फेंकता था, पत्थर फेंक के लाइन फेंकता था कि आज पत्थर मेरा यहां तक गया, कल पत्थर इससे आगे फेंकूंगा, परसों पत्थर इससे आगे फेंकूंगा, फिर पत्थर फेंकते फेंकते लकड़ी फेंकने लग गया, और उसके बाद स्कूल के अंदर एक बार प्रतियोगिता हुई, लोग जेवलिन फेंक रहे थे जिसको लकड़ी की तरह होती है,
मैंने जाके कहा मैं भी फेंकू। देवेंद्र जी की बात कुछ जमा नहीं कह रहा, उन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया तू क्या तेरेगा तो क्या फेंकेगा। इन्होंने बचपन में पत्थर फेंक फेंक कर अपने हाथ को मजबूत किया, इन्होंने फेंका और सबसे आगे फर्स्ट आए। और उस दिन के बाद कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वो भला फेंकते फेंकते ये व्यक्ति तीन तीन बार ओलंपिक का पदक ले आया। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन इनको कहा इससे बहादुर आदमी हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। अपनी जीरोज का कारण जिसको सीधा प्रधानमंत्री जी ने टिकट दी है उस टिकट पर आज कह रहे हैं भाई और टिकट के 10 टिकट और घोषणा हो गई। 13 लोगों को टिकट नहीं मिली, 13 एमपी को, एक भी एमपी ने ये नहीं कहा कि मैंने टिकट कर दी, मैं इसे मारू पीकर भारतीय जनता पार्टी को जगह देकर सामने खड़ा हूंगा। ये काम तो आपके सोनार राहुल ने किया है, अब इसको दंड दोगे क्या करोगे आप पर है। मैं 26 तारीख का निमंत्रण देते हुए आपसे एक ही कहूंगा, ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, होली का दिन है, खेल मेल का दिन है, सभी कौम बरादरियों को मिलकर अपने को चलना है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, जातियों के आधार पर अगर हम राजनीति को बांटेंगे तो हम समाज को तोड़ देंगे। पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव सामने खड़े होंगे, उस समय भी अगर जातियां हमसे बढ़ जाएंगे गांव में सिवाय लड़ाई झगड़े के कोई काम होगा नहीं। ऐसे असामाजिक लोगों से सावधान रहो और सब लोग मिलकर मदद करो। और मैं विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आपसे आज तक जिस कांग्रेस ने आपका शोषण किया, जो बैरूपीय बदलकर अब दूसरे लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, आपका रक्षक राजेंद्र राठौड़ देवेंद्र झाझड़िया तैयार खड़ा मिलेगा। कोई भी काम हो तो हमें बताना। और ये नहर की नहर का जो मनसूबा इतने सालों से चल रहा है ये पूरा इसी डबल इंजन की सरकार में होगी। यमुना का पानी भी आएगा और इंदिरा गांधी कुंभारा नहर के से भी पानी आएगा, घर घर में टूटी भी लगेगी और हर घर घर में उजाला भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े अदब के साथ उस व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ जो आज नहीं कल हमारा नेतृत्व करेंगे, इस होटल बंद इस नौजवान का जोरदार ताली से स्वागत करें। जन्मदिन आओ और अपनी बात को बहुत